अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैं हूँ इम्तियाज़ में मौजूद। ये 4 महीने पहले की वीडियो बना के रखी हुई थी बट अपलोड नहीं की थी, सो फाइनली आज मैंने ये वीडियो अपलोड की है। 4 महीने पुरानी वीडियो है। इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल गई थी, यहाँ से जो है महीने का घर का राशन ग्रॉसरी वगैरह लेने हम लोग गए थे। यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं, सो मैंने सोचा आज इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल का जो है आप लोगों को विज़िट करवाया जाए और साथ आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताई जाए और आप देखें इम्तियाज़ जो है वो कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे जूसेस वगैरह रखे हुए थे, ये जो है वो ग्राउंड फ्लोर का है। यहाँ पे मम्मा जूस वगैरह चेक कर रही थी, तो दलिया वगैरह है। जैसे आप इंटर होते हैं, इंटर होते के साथ ही यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे इन्होंने ग्रॉसरी रखी हुई और ये स्टार्टिंग आइटम्स हैं। तलबीना भी रखा हुआ है, तलबीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो तलबीना लाजमी खाया करें। मुझे भी तलबीना का नहीं ज़्यादा आइडिया था, बाद में मेरी खाला ने मुझे बताया तलबीना के फ़ायदे वगैरह। वो लोगों के घर में काफ़ी शौक से पसंद किया जाता है, खाया जाता है। बाहर ये डिफरेंट या कंपनी के तलबीना रखे हुए थे। आगे चलते हैं, आगे मज़ीद आपको चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर मम्मा जो है तलबीना निकाल के देख रही थी कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना तलबीना। और साथ साथ यहाँ पे जो है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी करें ताकि न्यू आने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, बर वक्त आप लोग मेरी वीडियो देख सकें। ठीक है, तो बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर साथ साथ जो है वो बिस्किट्स रखे हुए थे और केकर्स रखे हुए थे जो कि देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे थे। यहाँ पर जो है ना वो बिस्किट्स वगैरह और यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद थी, नान खटाई वगैरह। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं नान खटाइयाँ दो किस्म की मौजूद है। आई होप सो कि आप लोग ब्लॉग में आज को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है। इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल है, ये है कयूमाबाद का। सो आप लोगों को जब भी जाना हो तो आप लोग ग्रॉसरी वगैरह करने कहाँ जाते हैं, अपने मंथली जो राशन है आप लोग कहाँ से ख़रीदते हैं मुझे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ग्रॉसरी का जो आइटम है वो कहाँ से परचेज करते हैं, चेस जाते हैं इम्तियाज़ जाते हैं या कहाँ जाते हैं। ये बाहर मैं कयूमाबाद आई हुई थी, 4 महीने पहले की वीडियो है। सो ये वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी और मैं यहाँ छुप छुप के वीडियो बनाई थी। मेरे पापा मुझे इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे एक्सट्रीमली लेवल का, कहते बंद करो कैमरा, भी किसने देख लिया बेइज्जती हो जाएगी, बहुत इंसल्ट की बात है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने अपने व्यूवर्स के लिए माई यूट्यूब फैमिली के लिए मेहनत कर रही हूँ, कुछ नहीं होता। सो मैं यहाँ बहुत डर डर के जो हूँ छोटे छोटे से क्लिप्स बनाने में लगी हुई थी। मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी क्योंकि कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं, अच्छा भी नहीं लगता इस तरीके से वीडियो बनाना क्योंकि इन दिनों क्राउड भी बहुत था, रश भी बहुत था। संडे के दिन और शुरू शुरू के जब महीने के स्टार्टिंग डेज होते हैं सबकी सैलरी आती है मंथ के एंड में, तो वो इतना क्राउड होता है कि वीडियो बनाना खुद भी गैर मुनासिब सा लगे होता है। तो यहाँ चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी और यहाँ पर बिस्किट्स वगैरह के आइटम्स हैं, आप लोग चेक करते जाइए और वीडियो इन्जॉय करते जाइए। अगर चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा, बल्कि बटन को घंटी के बटन को और भी प्रेस कर देगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो मेरी आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। ठीक है जी, नोटिफिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो है वो टॉफ़ी वगैरह स्वीट्स वगैरह रखी हुई थी और ये साथ साथ आपको यहाँ केक बिस्किट बंसीज वगैरह जो है वो रखी हुई है, वो सब आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वीडियो के साथ साथ रही, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। आप भी ये वीडियो देखने के बाद आपका ज़रूर दिल चाहेगा कि आप कयूमाबाद इम्तियाज़ जाएँ और वहाँ से जाकर शॉपिंग करके लाएँ। सो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें और बिल्कुल ठीक मिल जाती हैं। सो आप लोग देखें और मेरे साथ साथ रह के वीडियो एंजॉय कीजिए। यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह थी बिस्किट्स से और यहाँ पे जो मम्मा स्टे रुकी हुई थी तो मैं वहाँ पे क्लिप ऐसे जहाँ मम्मा स्टे कर रही थी चीज़ें देख रही थी, मैं फटाफट वहाँ से वीडियो क्लिप बनाने लग जाती थी कि चलें जी जल्दी से जो है मैं अपनी वीडियो में ऐड करूँगी, अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि कयूमाबाद का इम्तियाज़ किस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे आमलेट टॉफ़ी की आप लोगों ने बचपन में भी खाई होगी, अब सब बच्चों की फेवरेट टॉफ़ी होती है, बड़े के छोटे सभी शौक से खाते हैं। 5% भी जो है वो मेरी फेवरेट टॉफ़ी आई, होप कि आपकी भी पसंद की टॉफ़ी होगी क्योंकि हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, अब इतने बड़े हो गए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने रखी हुई थी पाइन एप्पल, तो पाइनएप्पल टिन में इस तरीके से रखी जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत हसीन लग रही थी। सो आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में लाजमी बताएं। और साथ साथ यहाँ पे एक साइड पे सरफ भी रखे हुए थे, यहाँ पे ब्राइट थे, ब्लू ब्राइट था, बोनस था और यहाँ पे जो सर्फ एक्सेल थे, मतलब हर तरह के सरफ यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर सरफ मैंने लिया नहीं था, उसकी वजह ये थी कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो घर पर सरफ खुद बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए सनलाइट जिस तरीके से सरफ है बोनस है आप लोगों के लिए, मैंने बाहर यहाँ पे कोशिश की थी कि मैं वीडियो बनाऊँ और अपने व्यूअर्स का शेयर करूँ। यहाँ पे डिटॉल
और यहाँ पे जितना भी केमिकल का सामान है सारा वो यहाँ पे मिलता है। हर्पिक है और यहाँ पे फिनाइल है, डिटॉल वगैरह, कम्फर्ट है कपड़े वॉश के लिए, और यहाँ पे डिफरेंट जो है आपको केमिकल वगैरह नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ यहाँ पे सोप्स रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो हैंड वॉश वगैरह रखे हुए थे और वहाँ से जो है माचिस वगैरह नीचे रखी हुई थी। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग ब्लॉग जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं जो चुकी की सारी वीडियोस मैंने जो है बनाई हैं उसकी वजह रीज़न मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे बाबा मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे, कैमरा बंद कर दो, कोई आके किसने बोल दिया तो बहुत बुरी बात होगी, अच्छी बात ही इंसल्ट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने अपने व्यूवर्स के लिए जो है ना वीडियो बनानी है, तो आप तमाम लोगों के लिए छोटी सी मैंने कोशिश की थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तीसरी चौथी बार मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे साथ साथ जो आप लोग वीडियो भी इंजॉय कर रहे होंगे, और बताइए आप लोग का मेरी वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो बेशक थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी। कहीं ना कहीं आप लोग के जो दुबई के या जर्मनी में या आप लोग इंग्लैंड, थाईलैंड, यूएसए, जहाँ कहीं भी रहते हैं, पेशावर, लंदन, जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, तो आप लोग के भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं नहीं है, तो अपने एरिए के हिसाब से आप लोग मुझे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा। और यहाँ पे जो है फिल वक्त डिटॉल सोप रखा हुआ है और यहाँ पे मैं प्राइजेस कोशिश कर रही थी कि मैं वो भी आप लोग को दिखा सकूँ प्रॉपर, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ था। घड़ी घड़ी कोई ना कोई आगे पीछे से आ ही जा रहा था, मुझे कभी ट्रॉली आगे करनी पड़ी थी, कभी पीछे करनी पड़ी थी, और साथ साथ कैमरे की वीडियो तब हुआ था बिल्कुल जूम होकर नहीं बनती, थोड़ा दूर से वीडियो बनती है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था मुझे। तो यहाँ पे सफ़ेद चने रखे हुए थे और दालें वगैरह भी मौजूद थी। आप आगे चल के इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ये काले चने हैं और ये सफ़ेद चने हैं। तो इसमें बड़ा पैकेट भी मौजूद था, छोटा पैकेट भी मौजूद था, लेकिन हमने एक ही पैकेट यहाँ से बाय किया था। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो है ग्लॉस जो आइटम थी उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें आप देखेंगे हमने कितने पैसों में और कितनी सारी शॉपिंग की। तो यहाँ पे सारी दालें वगैरह रखी हुई थी, चावल वगैरह थे, तो यहाँ पे मैं वो दिखाने में लगी हुई हूँ आप लोगों को। चीनी के पैकेट से और ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ऑयल वैसे भी एक्सपेंसिव हो गया है। तो यहाँ डिफरेंट किस्म की जो है दालें हैं, दलिया है, चीनी है, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो के साथ साथ रहेगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा आप लोग अच्छी वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे जो है वो सारी दालें डालें रखी हुई थी, मम्मा यहाँ से दालें चेक कर रही थी लेने के लिए, और मैं मज़े से खड़े होकर यहाँ वीडियो बनाई थी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा एक ही टारगेट होता है पहले कि वीडियो बना लो अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वीडियो बना लो। तो वो सारी जो कोशिश होती है तमाम आप लोगों के लिए होती है, मेरे तमाम भाइयों बहनों के लिए होती है, तो आप लोग सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे दालें वगैरह रखी हुई काफ़ी सारी, और यहाँ पे नमक, मैदा और वो भी रखा हुआ था, नमक, मिर्च, हल्दी। अच्छा आप लोगों को मज़े की एक बात बताना भूल गई मैं कि लहसुन अदरक का मैंने पाउडर फर्स्ट टाइम सुना था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लहसुन अदरक का पाउडर भी होता है, लेकिन वाकई मैंने चेक किया तो लहसुन अदरक का पाउडर भी होता है। ठीक है, दुकान इम्तियाज़ में रखा और मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा ये तो बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि हम लोग फ्रेश लहसुन ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो शान का, नेशनल का ले लेते हैं और वो भी यूज़ करते हैं लहसुन जो जार में आता है, शान वगैरह का, ब्रांड वगैरह का, लेकिन कुछ लोग जो पैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेश लहसुन हम लोग ने यूज़ किया था, बट एक बार हमने फ्रेश लहसुन थोड़ा कम यूज़ किया था, हमने ज़्यादा पैकेट वाला वो लहसुन का जो पाउडर था वो यूज़ किया था, ये कुछ सॉल्ट वगैरह रखे हुए लाइन से। तो मम्मा कह रही थी पिंक वाला सॉल्ट ले लो, लेकिन ये के प्राइस थी कि हमने पिंक वाला सॉल्ट नहीं लिया। तो यहाँ पे जो है सारे गरम मसाले लाइन से लगाए हुए थे, सारे गरम मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी थी, सो साबुत पिसे गरम मसाले सब चीज़ें मौजूद थी, पैकेट का गरम मसाला, तो तकरीबन जितनी भी एसेसरीज हैं सारी यहाँ मौजूद थी, अवेलेबल हैं। ये इम्तियाज़ कईमाबाद वाला है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट कईमाबाद वाली। तो यहाँ पर ड्रेस मम्मा कह रही थी देखो कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, सो ये अपने लिए लेना है तो ले लो, तो मैं कह रही थी नहीं मुझे नहीं लेना है सूट। सो मम्मा शौक से कपड़े देखने लग गई थी, और साथ साथ यहाँ पे जो है ये मुझे फ्लोर का डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगा था, खूबसूरत लगा था, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गुलदान और डेकोरेशन पीस रखे हुए थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग को अच्छी वीडियो कैसी लगी मेरी।
तो यहाँ पे जो है आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये ग्रीनरी तो वैसे यहाँ की ठंडक होती है और ये ग्रीनरी से जो है सुकून मिलता है। यहाँ पे दूसरे ड्रेस से पहले ड्रेस मैंने आपको ब्लैक ही कहा था, सेकंड ड्रेस ये है। तो ये मम्मा देखें जो मम्मा को अच्छा लगा था, लेकिन जैसे कपड़ा क्वालिटी पसंद नहीं आई थी, डिज़ाइनिंग अच्छी थी इसकी बस, साथ साथ ये शर्ट थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और मैं इस पर गई थी, कही थी मुझे वीडियो बनाऊँगा जब मैं शुरू हुई हुई थी। अच्छा पीछे से प्लेन है बिल्कुल ही और फ्रंट पे बस इनका काम है, बल्कि ये कुर्ता है। मम्मा जो है वो दिखा रही थी कपड़े की आई थी, ये भी ड्रेस की वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ। मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह सेकंड व्लॉग में यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक के ग्लास रखे हुए थे, जबकि कांच की तरह लगे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के वाइट ग्लास थे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रहे थे। तो मैं दिल था मैं लेके आऊँ, लेकिन इसी तरह के जो है ना दूसरे हमारे पास हैं, तकरीबन वो लाइट ब्राउन कलर के हैं। तो यहाँ पे चूल्हे वगैरह जो है वो अवेलेबल थे, चूल्हे काफ़ी अच्छे थे, बट पिक्चर में वही बात है प्रॉपर नहीं बना पाई थी लोगों की वजह से, अब कुछ जो है वो उनके कैमरे वगैरह चल रहे थे, तो इस वजूहत की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये सारी बात है, बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट में प्लीज़ इजहार करें। यहाँ पर पंखे चूल्हे और सब चीज़ें यहाँ सही मौजूद हैं, जैसे कि आपको वीडियो में देखता होगा। तो यहाँ पे जो है लेडीज़ के भी कपड़े हैं, जेंट्स के भी कपड़े हैं, और मम्मा यहाँ खरीद के देख रही थी इन कपड़े से। आप लोग भी यहाँ कपड़ों को इंजॉय कीजिए और कमेंट में बताएं आप लोग को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है। अच्छा जी, यहाँ पे चूल्हे वगैरह रखे हुए थे नाचरी, और यहाँ पे बोतलें रखी हुई थी केचप की, और यहाँ पे नमक मिर्चे जो है बॉक्सेस से जार वगैरह मौजूद थे। तो किचन का जितना भी आइटम होता है वो यहाँ पे अवेलेबल था, आपके नमक मिर्च हर चीज़ें आप इजीली यहाँ पे जो है वो बेकिंग का सामान अवेलेबल था। यहाँ पे टिफिन वगैरह रखे हुए थे और बहुत सारी तकरीबन जितनी भी एक्सेसरीज़ सब यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे जो है ग्लास वेयर चेक कीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वॉल क्लॉक्स वगैरह थी, और यहाँ पे किचन की एसेसरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देख रहे होंगे। आई होप सो कि आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और कमाल की रही होगी, आप लोग के साथ एक आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। सो कमेंट में लाजमी बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा आप लोग आज की वीडियो कैसी लग रही, और आप लोग मंथली जो है वो ग्रॉसरी वगैरह मतलब जितना भी आप मंथली जो आपकी शॉपिंग होती है वो आप लोग कहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत लगी हुई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, वाइट कलर की थी। सो मैं सालन की प्लेट्स वगैरह चेक कर रही थी, और चार्जेस भी जो है वो काफ़ी हाई थे, ख़ास करके बर्तनों के सामान पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स थे, लेकिन कॉस्टली बर्तन बिल्कुल, लेकिन ये कि दिखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। सो आप लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे बर वक्त। और यहाँ पे वीडियो में मेरे साथ साथ रहें, मज़ीद और चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। आप लोगों के घरों के पास या आप लोगों के एरिया में इस तरीके का कोई है शॉपिंग मॉल, आपने उसका कमेंट में लाजम मुझे नाम बताना है, या आप लोग वहाँ ग्रॉसरी करने जाते हो वो बताना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अच्छा यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत, यहाँ चीनी रखी हुई है सारी, और मैंगो फेस्टिवल यहाँ पे जो लगा हुआ था बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रहा था। दिल चाह रहा था मैंगो स्लाइस ओपन करूँ खा लूँ और मैंगो फटाफट खा लूँ, क्योंकि बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है मैंगो फेस्टिवल तो लाजमी बताना है आप लोगों ने, क्योंकि पुरानी वीडियो है मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, 4 से 5 महीने पुरानी कोई वीडियो होगी रखी हुई जो कि मैं अब अपलोड करने लगी हूँ नहायत माजरत के साथ, उनके जाहिर सी बात है एडिटिंग और चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। सुबह यहाँ पे जो है इम्तियाज़ बंद हो रहा था, और यहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए कंटिन्यूसली लगी हुई थी, वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।